नमस्कार, साहित्य तक्य बुक कैफे में मैं जयप्रकाश पांडे एक दिन एक किताब में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस पुस्तक को लेकर आया हूँ उसका नाम है बेहया। इसके कवर से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर का विवरण कैसा है। यह एक उपन्यास है जिसकी लेखिका है विनीता अस्थाना। विनीता अस्थाना पत्रकारिता में परास्नातक हैं और तमाम मीडिया समूहों में काम कर चुकी हैं। फिलहाल अध्यापन से जुड़ी हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ी हैं और यह उनकी पहली कृति है। उनका कहना है कि यह उपन्यास किसी भी जीवित पात्र से इसका कोई तादात्म्य नहीं है। इस किताब की भूमिका प्रख्यात आलोचक अनंत विजय ने लिखी है। अनंत विजय जी हिंदी साहित्य के बड़े प्रखर आलोचक हैं। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि और इस उपन्यास का कथानक दोनों दो दायरे में जाते हैं। अनंत जी ने जहां अपनी प्रस्तावना में नामवर सिंह जी का उल्लेख करते हुए उपयोगितावाद और कला और सोफिस्टिकेटेड जानवर और जानवर के फर्क, बोल्ड और लाउड के फर्क, स्त्रियों की भावना और संवेदना का फर्क, पति और पत्नी के संबंधों की बात उठाई है और तृष्णा और यथार्थ की बात की है, वहीं विनीता ने बहुत करीने से और बहुत सरल भाषा में आज की कामकाजी स्त्री और आज की कॉरपोरेट स्त्री की एक रूपरेखा गढ़ी। इस उपन्यास में वैसे तो कई नायिकाएं हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं। एक वहां एम्प्लाई होती है और एक उस समूह की मालकिन होती है। जो मालकिन होती है वह बोल्ड विचारों के साथ एक बहुत ही अमीर व्यक्ति की पत्नी होती है। ऐसा अमीर व्यक्ति जिसकी कोठी दक्षिण दिल्ली के एक बड़े इलाके में होती है, उसी के ऑफिस में वो युवा लड़की काम करती है। एक दिन एक प्लेबॉय टाइप का स्मार्ट आदमी आता है जिससे उस लड़की के, युवा लड़की के भी शारीरिक संबंध हो जाते हैं। वह लड़की जो रिसेप्शनिस्ट से बढ़कर एक बड़ी जगह पे क्रिएटिव राइटर तक हो चुकी होती है। दूसरी तरफ उस कंपनी की मालकिन जो दो बच्चों की माँ होती है वह भी उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होती है। पूरा उपन्यास इसी कथानक पर है। अंतिम परिणति यह है कि वह अमीर आदमी उसको छोड़ देता है। वह लड़की जो युवा होती है वह भी उस प्लेबॉय टाइप के स्मार्ट बंदे के ऊपर फिदा होती है और उसके ऊपर जान छिड़कना चाहती है, लेकिन अंततः वह उसे छोड़कर उस रईस महिला को अपना लेता है। अंतिम परिणति इसी यही है। स्त्री मन को एक अलग दृष्टि से देखने की विनीता की यह कोशिश वैसे तो पहली रचना के हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था, यहाँ तक कि आधुनिक समाजों में भी इस तरह की के संबंध, उनकी परिणति क्या होती है, इसके बारे में लेखिका के कथन में भटकाव है। वह आज की स्त्री की बात करना चाहती हैं, युवा स्त्री की बात करना चाहती हैं, करियरिस्ट स्त्री की बात करना चाहती हैं या उस स्त्री की बात करना चाहती हैं जो अपने परिवार के प्रति समर्पित है या बच्चों के प्रति समर्पित है या अपने बिजनेस के प्रति समर्पित है, यह स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी लेखिका के पहले प्रयास के हिसाब से इन बातों को, इस दर्शन को भुला देना चाहिए और अगर आप सहज सरल भाषा में नई वाली हिंदी में क्या लिखा जा रहा है ऐसे किसी उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो इस उपन्यास को खरीद सकते हैं। 155 पृष्ठ के इस उपन्यास का मूल्य ₹150 है और इसे हिंद युग ने छापा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में किस तरह के पुस्तकों की चर्चा सुनना चाहते हैं इसके बारे में अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप पाठक हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है।
अगर आप लेखक हैं तो भी अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आपको हमारी समीक्षाओं का, लिस्टिंग का यह कार्यक्रम कैसा लगा। अमूमन मैं इस कार्यक्रम में किसी भी पुस्तक की समीक्षा नहीं करता, बल्कि उस पुस्तक को पढ़कर उस पर अपनी राय बताता हूँ कि मुझे वह पुस्तक कैसी लगी और अगर आप इसे खरीदेंगे तो आपको यह पुस्तक कैसी लगेगी। धन्यवाद।